अहले इलाका का कहना है कि इलाके का ट्यूबवेल खराब हो गया है, जिसके बाइस पिछले 3 दिन से पानी की फरहमी मौतल है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मेट्रो बस और बुलेट ट्रेन के साथ साथ आवाम को पानी और बिजली की फरहमी भी यकीनी बनाए। गरीब मुल्क में बुलेट ट्रेन और मेट्रो बस की ज़रूरत नहीं है। ये जब जब लोगों को पानी मिले, बिजली मिले, रोटी मिले, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग रोज़ा खोलने के लिए सोचते हैं कि किस चीज़ से रोज़ा खोलें, और खुदा के लिए पानी दो, बिजली दो, गैस दो। अहले इलाका का कहना है कि खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं, वो और उनके बच्चे बगैर पानी के रोज़ा रखने पर मजबूर हैं। हमें पानी नहीं मिल रहा, बच्चे हमारे भूख प्यासे प्यासे रोजे रख रहे हैं, अटपेरे रोजे रख रहे हैं, ना पानी है ना बिजली है। रहायशियों का कहना है कि एक्सियन वासा ने यकीन दहानी कराई है कि अगले चंद घंटों में मुतबादल ट्यूबवेल से मकीनों को पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। अगर वासा ने वादा पूरा ना किया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इन्होंने हमें कल का टाइम दिया, कल तक हमारा पानी ना सही हुआ, हम इस इलाके का चप्पा चप्पा हम इतना जलील कर देंगे लोगों को कि पूरे वासा को दफ्तर को आग लगा देंगे। हुकूमत बुलेट ट्रेन और सड़कें बनाए, मगर शहरियों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना भी उसकी अव्वलिन जिम्मेदारी है। कैमरामैन कामरान खान के साथ हसन हालिद, सिटी 42।